बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब ठीक है? नहीं नहीं बीबी, बनना है तो दुपट्टा सर पे पहनो। क्या कर रहे हैं आप लोग? अंकल शादी शादी कर रही है मेरी बीबी और मैं इसका। बात तो सही है आपका। नफीसा जी, आपने सुना क्या कह रही है? शादी शादी खेल रही है बच्चे इस उम्र में। बाबा हम शादी शादी कर ले, हमें खेलने देना। शादाब, शादाब सुने मेरी बात सुने। आप शादी शादी कर लेंगे क्या करें? अभी बताता हूँ मैं आपको। शादाब छोड़ने मत। चलो चलो अंदर। छोड़ दो, ऐसी सजा दूंगा आप दोनों को कि याद रखेंगे आप दोनों। खुदा का खौफ करे, बच्ची है, खेल ही तो रही थी। खेल रही थी ये? उस लड़के के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, शादी शादी खेल रही थी। उसका दम घुट जाएगा अंदर। घुटने दे, सबक सिखाऊंगा इसे मैं कि आज के बाद से ये लड़के से बात करना, दोस्ती करना, मोहब्बत करना भूल जाएगी। छोड़ दे। आपने यहां से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं आपको जान से मार दूंगा। सुना आपने? कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं करूंगी, कभी मोहब्बत नहीं करूंगी। आई एम सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दो। किस बात की दो? एडमिशन लिस्ट में मेरा नाम आ गया है, अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। तुमने फॉर्म कब भरा है और ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का कि आप पहली फैमिली गैदरिंग में कमल और इमाद की मंगनी करा देंगे। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि ये मेरा हुक्म था। आपके आगे पढ़ने के शौक में आपके यहां मेरे नाम पे एक भी हरूफ आया या किसी ने कोई बात की तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा आपको। आंखों में जल रहा है। आंखों में जल रहा अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही। मुझे आपको उस दिन बता देना चाहिए था, जिस दिन उसने पहली बार मुझसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं डर गई थी। मैं सचमुच बहुत डर गई थी।
किससे डर गई थी? आपसे, आपसे और बाबा से। मैं डर गई थी कि आप लोग मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देंगे। अच्छा मेरी जान, तुम रोना तो बंद करो, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे ऑफिस से। अगर उन्होंने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो एक नया सवालनामा बन जाएगा। आप मेरा यकीन करें, मेरी कोई गलती नहीं है। अभी वो खुद मेरे सामने आ जाता है, वो मुझसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है और क्या नीलम? मैं पूछ रही हूँ कि और क्या? वो कहता है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। कवल, मुझे एक्चुअली तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। कवल, जब हमारी मंगनी हुई थी तो तब मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, तो मैंने डैड और चची के प्रेशर में आकर हाँ बोल दी। मतलब ये कवल कि मैं ये मंगनी तुमसे तोड़ रहा हूं, मुझे किसी और से मोहब्बत है। इसके अलावा और कोई हल नहीं है भाभी। आपको आपको नीलम के साथ ये जुल्म नहीं लगता? तो और क्या करूं, इसके बाप को अगर पता चला तो वो भी तो यही करेंगे। आपको उसके रोने में उसकी मासूमियत नजर नहीं आ रही? दिखती है, वो मेरी बेटी है। मैं जानती हूं कि वो मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन लेकिन इसके अलावा कोई हल ही नहीं है मेरे पास। तो ये भी कोई हल नहीं है भाभी। अच्छा तो तुम बता दो ना, क्या करूं मैं? वो लड़का उसको तंग कर रहा है, शादी करना चाहता है उससे। इस सब के बावजूद मैं उसे वहां भेज दूं, चूल्हे में ना झोंक दूं ऐसी पढ़ाई को? भाभी, सजा उस लड़के को मिलनी चाहिए जो हमारी नीलम को तंग कर रहा है, और हम अपनी नीलम को सजा देने के बारे में सोच रहे हैं। पता है, इसमें गलती सिर्फ मेरी है। शादाब तो उसे आगे पढ़ाने के खिलाफ थे, मैंने दलीलें दे देकर उनको कायल किया। रब, मेरी जान टिकटिकी पर आ गई। जो भी हो, वो लड़का जैसा भी है आवारा और बदमाश नहीं लगता, क्योंकि आवारा और बदमाश लड़के शादी जैसी संजीदा बात नहीं करते। एक बात तो मैं भूल ही गई थी कि तुम भी तो जा चुकी हो ना यूनिवर्सिटी। लड़कों की नफ्सियात, उनके माशकों में तो PhD हो तुम। अभी मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जो शादी की बात कर रहा है उसे वाकई मोहब्बत हो गई। खबरदार सूफी, खबरदार जो तुमने इस मोहब्बत का नाम लिया। मोहब्बत करना मना है उसके लिए, हराम है, कुफर है, समझी तुम? ये लो, चलो खाना शुरू करो। नीलम खाने पे नहीं आ रही क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? परेशान मत हो, सब ठीक है।
सर में दर्द है बस। लेकिन मामा सर दर्द तो पेन किलर से भी ठीक होता है, आपने दी नहीं उसे? मेरे पास है, मैं देकर आता हूँ। कासिम बैठ जाओ, मैंने उसे पेन किलर दे दी है, वो खाकर सो रही है, ठीक हो जाएगी। तुम खाना खाओ बैठकर। कासिम बैठ जाए। जी डैड। अरे बेटा बैठो ना, खड़े क्यों? नहीं चाची जान, एक्चुअली मैं जो आपसे बात करने आया हूँ वो खड़े खड़े ही करने वाली है। मेरे शहजादे बैठ जाओ, ऐसे हवा के घोड़े पे सवार मत हुआ करो। मैं कमल से शादी नहीं कर सकता और ये बात मैंने कमल को भी बता दी। क्या? बस चची जान आप ये समझे कि जिस जल्दबाजी में ये मंगनी हुई उसी जल्दबाजी से ये टूट गई। I'm sorry. भाभी क्या है? आपने अभी तक शादाब भाई को कुछ बताया तो नहीं? अभी तक तो नहीं बताया। ठीक किया, और प्लीज बताइएगा भी मत, क्योंकि मेरे पास इस मुश्किल का एक हल है। Thank you.
हेलो आप प्लीज बैठे। आर यू सीरियस? आप मुझे बैठने के लिए कह रही? जी जी मैं आपको ही कह रही हूँ, प्लीज बैठिए। क्या हर लड़के का जासूसी नेटवर्क इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है? या आप में कोई खास इंटेलिजेंस है? जासूसी इंटेलिजेंस? मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो आप गए, बनिए मत। नीलम ट्रस्ट मी, आई स्वेयर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ये बहुत बहुत ज्यादती वाली बात है। क्या? यही कि आपको मेरा नाम भी मालूम है, आपको ये भी पता है मैं कौन सी क्लास में होती हूँ, कब मेरा पीरियड होता है, कब नहीं होता, सब कुछ पता है आपको। नीलम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक्चुअली मैं इन सब चीज़ों में बहुत अनाड़ी हूँ। मैं आपके बारे में सब कुछ पता कर चुका हूँ और आपने बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। मेरा नाम इबाद अली खान है और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। बिजनेस पढ़ रहा हूँ, पढ़ना तो मैं लिटरेचर चाहता था लेकिन मेरे फादर चाहते हैं कि मैं बिजनेस पढ़ूँ ताकि आगे जाकर उनका बिजनेस संभालूँ। बस इबाद अली खान, बिजनेस, फाइनल ईयर, इतना काफी है। नीलम तुम्हीं ने तो कहा था इबाद, उसका बाप, उसकी माँ, सब तुम्हारे कंट्रोल में। हाँ तो वही तो होता है, तभी तो उन दोनों की मंगनी करवाई थी मैंने। मंगनी करवाई थी या मजाक किया था? इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा बतूल। ये तो तुम क्यों नाराज हो रहे हो? मैं करती हूँ इबाद से बात, समझाती हूँ उसे। इसे ठीक करो, कुछ भी करो, ठीक करो इसे। तंग कर रहा है जी? कैसे तंग कर रहा है? ये तो काफी सेंसिबल लड़का है, बहुत फ्रेंडली है और सपोर्टिव भी। आज तक इसके खिलाफ कोई कंप्लेन आई नहीं है। तो अब आ गई है ना, अब आप एक्शन ले इसके खिलाफ। अच्छा आपने बताया नहीं, तंग कैसे करता है? सीटी बजाता है, छेड़ता है या जुमले कसता है? नहीं वो ये सब नहीं करता। तो करता क्या है? वो मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। क्या पता वो अपने रास्ते में खड़ा हो और आपको लगा हो कि वो आपके रास्ते में खड़ा है। सर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है वो मेरा रास्ता रोकता है और इसीलिए कंप्लेन लेकर आई हूँ ना। ओके लेकिन ये बताए तो वो कहता क्या है ताकि इस बात को हम जवाब बना के उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। वो मैं आपको नहीं बता सकती। देखिए मिस नीलम शादाब अहमद, मैं उसको बुलाऊंगा और समझाऊंगा, बट ट्रस्ट मी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये बात काफी अच्छा लड़का है और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, इवन आई नो हिम पर्सनली। सर ये आपसे कंप्लेंट करने आई है, उस लड़के की तारीफें सुनने नहीं। चलो नीलम। किस जमाने की लड़की हो यार, यूनिवर्सिटी पहुंच गई हो और एक लड़का हैंडल नहीं हो रहा तुमसे। क्या मतलब? इस जमाने में स्कूल में बल्कि प्राइमरी सेक्शन में अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो वो लड़की वहीं उसे दो दो हाथ करके घर जाती है और तुम यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऑफिस में शिकायत करने पहुंच गई। वाह, तो क्या मुझे नहीं जाना चाहिए था? पता नहीं लेकिन अब
आगे पता है क्या होगा? क्या होगा? वो लड़का तुम्हारी इस कंप्लेन को जवाब बनाकर उल्टा ढीठ बनकर तुम्हें और छेड़ेगा। लेकिन वो मुझे छेड़ता नहीं है। छेड़ता नहीं है तो फिर तुमने उसकी कंप्लेन क्यों की? वो मेरे रास्ते के सामने आ जाता, मुझसे बात करने की कोशिश करता है और जो भी मिस नीलम, आपने जानबूझकर बैल को अपने घर का एड्रेस दिया है कि आ बैल मुझे घर घुस कर मार। या खुदा, मैंने कंप्लेन इसलिए की थी कि वो बाज आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, पहले तो शायद वो तुम्हारा कोल्ड बिहेवियर देखकर तुम्हें तंग करना छोड़ देता, लेकिन अब तो तुम भूल जाओ। और क्या? और कुछ नहीं, चलो आप। आपने जानबूझकर बैल को अपने घर का एड्रेस दिया है कि आ बैल मुझे घर घुस कर मार। नीलम जी। बाबा। क्या बात? कुछ नहीं। आप परेशान? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। यूनिवर्सिटी गई थी आप? जी गई थी। यानी आपके सर का दर्द ठीक हो गया? जी अब ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी में मसला हुआ? नहीं बाबा, कोई मसला नहीं है। बोलने अपने मकामी नाजरीन को भी कौमी धारे का हिस्सा बनाया। और पूरे पाकिस्तान की खबर कौमी सतह की हर बात हर पाकिस्तानी के लिए एक ही। वो खाना लग गया टेबल पर, बच्चे भी आ गए। सुनिए जी, कल आपकी बेटी के सर में शदीद दर्द था और अब से कुछ देर पहले इस्तरारी कैफियत में लॉन में टहल रही थी वो। इस्तरारी कैफियत? नहीं तो, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी है। गोया आपको आपकी बेटी की बदली हुई कैफियत नजर ही नहीं आई। नीचे क्या देख रही है? ऊपर देखें। एक्चुअली शादाब, आप उससे मोहब्बत बहुत करते हैं इसलिए जरूरत से ज्यादा हसास हो गए। आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं अपनी बेटी के प्यार में पागल हो गया? नहीं, मैं तो बस आप जैसी बेखबर माएं जो होती हैं ना, उनकी औलादें बड़ी आसानी से अपने माँ बाप को बेवकूफ बना के कुछ भी कर सकती हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, जिस तो सब कुछ आपका कमजोर लहजा आपकी कमजोरी जाहिर कर रहा है। सुनिए, एक बात कह दूंगा आपसे मैं, औलादों को सिर्फ सोने का निवाला खिलाओ और शेर की निगाह ना रखो तो वो आपको चीर फाड़ कर आगे निकल जाती हैं। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सिर्फ अपनी बेटी को
रोटियां बना के खिला सकती हैं, उन पे नजर नहीं रह सकती। ये कभी नहीं करने दूंगी, किसी कीमत पे नहीं, कभी नहीं करने दूंगी, नहीं नहीं करने दूंगी, नहीं 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 बस बुरा सपना थे। पानी दो, पानी, अरे पानी पिलाओ, अरे पानी पिलाओ। ये आराम से लिटाओ, लिटाओ ऐसे, लिटाओ, लिटाओ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इसके मामले में इसके बाप की छठी हिस बहुत तेज है, बहुत ज्यादा। अब अगर इसे मैं घर बिठा लूंगी तब भी तो मुझे शादाब के सवालात के जवाब देने पड़ेंगे ना, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि कोई लड़का उनकी बेटी के साथ आशिकियां बिगाड़ रहा है तो इस घर में क्यामत आ जाएगी। मम्मी, मुझे वो अलमारी आज भी याद है जिसमें बाबा ने मुझे बंद किया था। मैं वो वक्त दोबारा कभी नहीं आने दूंगी, और ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, जब तक मैं वहां था वो बिल्कुल ठीक थी। यकीनन तुम दोनों में से किसी ने कुछ कहा होगा। आमना, ये बात तुम ही बताओ। डैड, मैंने मंगनी तोड़ दी है। क्या, क्यों? डैड, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं और तुम अच्छी तरह जानते हो बतूल ने यह रिश्ता चुना है तुम्हारे लिए। जानते हो ना बतूल कौन है? अरे उसी की वजह से हम आज यहां हैं, उसी की दुआओं के फैज से हमें ये सब मिला और तुमने उसी को नाराज कर दिया। मुझे जो सही लगा मैंने किया। ये बात दफा हो जाओ, अपने कमरे में चले जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं ना अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत मत करना। अरे इसका मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहां से। और तुम ये बात मुझे बता नहीं सकती थी? वेरी कन्वीनियंट। आँखों
जल रहा है, आँखों में जल रहा है, बुझता नहीं धुआं, उठता तो है घुटा सा, उठता तो है घुटा सा, परसता नहीं धुआं। ऐसा सबक सिखाऊंगा इसे मैं कि आज के बाद से ये लड़के से बात करना, दोस्ती करना, मोहब्बत करना भूल जाएगी, दोस्ती करना, मोहब्बत करना, मोहब्बत करना भूल जाएगी। पलकों के ढांपने से भी रुकता नहीं धुआं, पलकों के ढांपने से भी रुकता नहीं धुआं, कितनी उंडेलियां, कितनी उंडेलियां, बुझता नहीं धुआं, आँखों में जल रहा है, आँखों में जल रहा है। मैंने आपसे कहा ना बतूल, आप फिक्र ना करें, कान पकड़ कर लेकर जाऊंगा, उसे माफी मंगवाऊंगा। उसकी शादी वहीं होगी जहां आपने तय की है। नहीं भाई साहब, अब सब कुछ बदल चुका है। क्या मतलब? कई दिन से मैं ख्वाब देख रही हूं कि मेरा बच्चा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला है। आप जानते हैं उस मुसीबत का नाम क्या है? क्या? मोहब्बत। और मोहब्बत इस खानदान के मर्दों को मुर्दों में बदल देती है। उसे रोक ले भाई साहब, रोक ले उसे, रोक ले उसे, वरना वरना वो भी अकबर अली खान की तरह मारा जाएगा। रोक ले उसे भाई साहब। आँखों में जल रहा है। आँखों में जल रहा है। कहाँ जा रही है? यूनिवर्सिटी। आइए मैं आपको छोड़ता हूं। हाँ तो मैं कह रहा था कि असाइनमेंट जो है ना। अरे यार ये बात
वो देखो तो किसी के साथ आई हुई है। इसके फादर है क्या? मुझे क्या पता कौन है। ये अपने फादर को यहाँ क्यों लेकर आएगी? हो ना हो, मुझे तो लगता है उसने अपने डैड को बता दिया कि एक आवारा फटीचर लड़का उल्लू का चरखा टाइप उसे तंग कर रहा है। ये नहीं हो सकता। उसके वालिद के सामने जाने की कोशिश मत करना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। समझ में नहीं आते ये किस किस्म का बाबा प्यार करते हैं मुझसे। ख्याल तो रखते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते। आज तक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कहीं मुझे अकेले नहीं जाने दिया। अपना नुकसान कर लेते हैं लेकिन मुझे काश उन्हें कोई समझा सके कि बेटी को बाप की मोहब्बत से ज्यादा उसके एतबार की जरूरत होती है। जिन बेटियों को बाप का भरोसा ना मिले वो जिंदगी के किसी महाज पर डट कर मुकाबला नहीं कर सकती हैं। तुमने अपने बाबा को उसके बारे में बता दिया? क्यों? पता नहीं, आज भी नजर आया था वो। हाँ, यानी आशिकों वाली एक खूबी तो है उसमें। वो क्या? गिव अप नहीं करता, ठीक है, एक नंबर का। फजूल बातें मत करो, अब चलो क्लास में सो जानी है। ये क्या बदतमीजी है, हटे मेरे सामने से। ना हटो तो। अब आप हद पार कर रहे हैं, मैं कंप्लेन करवा दूंगी पुलिस में। नीलम, तुम्हारा जो जी चाहे वो करो, लेकिन मेरी सिर्फ एक बात सुनो, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इस दुनिया में कीमती कोई नहीं। मैं 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मेरा दिल तुम्हारे लिए सिसकता रहता है। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, नीलम, मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश की, ये है कि मानता ही नहीं। नीलम, तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती ना, ना करो, लेकिन मेरा सिर्फ एक काम कर दो, ऐसा करो कि अपनी दी हुई बेकरारियां मुझसे वापस ले लो और मुझे मेरा खोया हुआ चैन वापस कर दो। उसके बाद मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगा। नीलम, ये बात मैं पहली और आखिरी दफा कह रही हूँ, अगर आप मुझसे मोहब्बत करेंगे तो मैं आपसे नफरत करूंगी, और अगर आप मुझसे और मोहब्बत करेंगे तो मैं आपसे और नफरत करूंगी। नीलम, तुमसे ज्यादा इस दुनिया में कीमती कोई नहीं। मैं 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं, मेरा दिल तुम्हारे लिए सिसकता रहता है। मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये है कि मानता ही नहीं।
तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती ना, ना करो। लेकिन मेरा सिर्फ एक काम कर दो, ऐसा करो कि अपनी दी हुई बेकरारियां मुझसे वापस ले लो और मुझे मेरा खोया हुआ चैन वापस कर दो। उसके बाद मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगा। मैंने उसकी मोहब्बत को नफरत में लपेट कर वापस कर दिया। मोहब्बत को मुस्तरद करना बहुत मुश्किल है नीलम, तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? मैं शादाब अहमद की बेटी हूं, अगर उन्होंने एक बार कह दिया कि मेरे लिए मोहब्बत करना मना है तो बस मना है। लेकिन नीलम, तुम सिर्फ शादाब अहमद की बेटी नहीं हो, तुम नीलम भी हो ना? हूं, लेकिन मेरा पूरा नाम है नीलम शादाब अहमद। बाद में पहली और आखिरी दफा कह रही हूं, अगर आप मुझसे मोहब्बत करें तो मैं आपसे नफरत करूं। और अगर आप मुझसे और मोहब्बत करेंगे तो मैं आपसे और नफरत करूं। मैं आपसे और नफरत करूं। आपसे और नफरत करूं। आपसे और मोहब्बत करूं। आपसे नफरत के बाद में पहली और तो मैं आपसे और नफरत एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।